जय श्री राम। राम राम जी दोस्तों, स्वागत है आपका फिर से एक बार राम रथ यूट्यूब चैनल में। और सुबह का हो गया समय और सुबह के बज गए 7, तो हम उठ गए। और इधर अभी भी मनोज भैया सो रहे हैं क्योंकि थकान बहुत ज़्यादा हो गई थी। और दोस्तों, यहाँ राजस्थान के बजाय अयोध्या में सर्दी बहुत ज़्यादा पड़ रही है और एक दो दिन से धुंध भी ज़्यादा ही है, तो ठंड ज़्यादा लग रही है, तो हम लेट ही उठे हैं। और दोस्तों, आज अब हम नहाएंगे धोएंगे और उसके बाद में यात्रा करेंगे मंदिरों की, जैसे हनुमानगढ़ी है, कनक भवन है और दशरथ महल है, और मेन प्रसिद्ध जो भगवान राम लला का मंदिर है वो भी आपको दिखाएंगे। तो आप जो नए यूजर हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और देखते रहे, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, फॉलो करें, और आप चैनल पर बने रहे। आपको मैं पूरी अयोध्या की यात्रा कराऊंगा। अभी हमें 3 से 4 दिन का समय लगेगा यहाँ, तो आप वीडियो देखते रहे रोज। दोस्तों, सुबह सुबह का समय है और अभी हम अयोध्या मंदिर की ओर जा रहे हैं, जो मेन हाईवे है, मेन रास्ता है उनके मंदिर में जाने का। और ठंड बहुत ज़्यादा पड़ रही है, कोहरा इतना पड़ रहा है कि कुछ दिख ही नहीं रहा आसपास। आप देख सकते हो इधर सामने, बिल्कुल हाथ से हाथ नहीं दिख रहा, इतनी धुंध पड़ रही है। राजस्थान से काफ़ी ज़्यादा सर्दी पड़ रही है यहाँ। राजस्थान में सर्दी ख़त्म के दौर पर है और यहाँ पर ऐसे लग रहा है जैसे हमारे राजस्थान में पड़ती है सर्दी, वैसे चालू हो रही है यहाँ, ऐसा लग रहा है यहाँ। और दोस्तों, यहाँ के हमें बहुत ही अच्छा लग रहा है, बहुत ही आनंद आ रहा है। कैसा लग रहा है मनोज भैया यहाँ के? बहुत अच्छा। यहाँ पर आने के बाद ऐसा लग रहा है जैसे ये पूरी अयोध्या नगरी और यहाँ के सारे लोग राम में हो गए हैं। आप जितने भी आसपास मंदिर हैं मुख्य मार्ग पर, वहाँ सभी मंदिरों में हमारे दोनों तरफ श्री राम के ही भजन कीर्तन चल रहे हैं। दोस्तों, सुबह सुबह बहुत सर्दी है, फिर भी बहुत सारे लोग दर्शन करके जा भी रहे हैं और दर्शन करने आ भी रहे हैं। आप लोग देख सकते हो हमारे पीछे जो सड़क है उस पर। मैं तो मनोज भाई बहुत खुश हूँ और मैंने ऐसा कभी सोचा नहीं था कि हमें भी अयोध्या आने का मौका मिलेगा और प्रभु का आशीर्वाद पाने का मौका मिलेगा। और दोस्तों, आपको सिर्फ एक ही नाम सुनाई देगा, जय श्री राम, जय श्री राम नाम चारों तरफ गूंज रहा है। और दोस्तों, यहाँ के लोग भी बहुत अच्छे हैं। आपको कोई सहायता चाहिए तो आपकी सहायता करेंगे और यहाँ का प्रशासन भी बहुत हेल्पफुल है। दोस्तों, ये मुख्य सड़क है जिसको राम पथ के नाम से जानी जाती है और आज धुंध बहुत तेज हो रही है और भगवान का हम दर्शन करने के लिए जा रहे हैं। सुबह सुबह ही जल्दी उठकर आ गए। और दोस्तों, आप देख सकते हो यहाँ धुंध बहुत तेज हो रही है और सिर्फ एक ही नाम सुनाई दे रहा है, जय श्री राम, जय श्री राम। और भगवान राम के पोस्टर जगह जगह लगे हुए हैं। दोस्तों, बहुत ही अच्छा लग रहा है यहाँ आकर, बहुत ही आनंद आ रहा है अयोध्या नगरी में आके। और दोस्तों, यहाँ पर जो मुख्य मार्केट है उसको बहुत अच्छी तरीके से सजाया गया है और सामने आप देख रहे हो ये भगवान शिव का शिवालय है। ऐसे मंदिरों की तो यहाँ पर अयोध्या में कमी नहीं है, बहुत सारे मंदिर बने हुए हैं यहाँ पर, ऐसे छोटे छोटे मंदिर जो सैकड़ों की संख्या में बने हुए हैं। और दोस्तों, यहाँ का जो ये मुख्य मार्केट है साकेत नगर रामपथ पर बना हुआ है, इसको दोबारा पुनर्निर्माण किया। और दोस्तों, ये है अनुभव पांडे, मनोज भैया के दोस्त है, जो जयपुर में मनोज भैया के साथ में पढ़े थे, तो आज हमको यही घुमाएंगे अयोध्या में और अयोध्या की आज यही पूरा भ्रमण कराएंगे हमको साथ में। नमस्कार भाई। जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। दोस्तों, कोहरा बहुत ज्यादा पड़ रहा है तो कुछ दिखाई नहीं दे रहा है, तो हम राम मंदिर तो बाद में जाएंगे, उससे पहले हम यहाँ जो हनुमानगढ़ी है उसकी तरफ जा रहे हैं। भगवान श्री राम के सेवक हनुमान जी महाराज का मंदिर है हनुमानगढ़ी में, वो भी बहुत ही पुराना मंदिर है। और यहाँ की दुकानें आप देख सकते हो कैसे सजा रखी है, तिलक श्री राम लिखा हुआ, स्वास्तिक, सूर्यवंशी का निशान, पूरा मार्केट ऐसा ही मिलेगा आपको। और इधर प्रवेश कर रहे हैं दोस्तों, अब हम हनुमानगढ़ी की ओर। अनुभव, यहाँ का मार्केट ये पहले भी ऐसा ही था या आज भी ये सजाया गया है? अब नया बना है पूरा, ये पूरी दुकानें जो फ्रंट की है उनको भी दोबारा पेंट किया।
ये दोस्तों हनुमान गढ़ी का जो भगवान हनुमान जी महाराज का मंदिर है उसका ही रास्ता है। हमें यहाँ आपको पास पास में ही समझ जाएगा हनुमान गढ़ी, भगवान रामलला का जो नया मंदिर बना वो सरयू घाट, कनक भवन और जो दशरथ महल सभी पास पास में है, लगभग 500 मीटर के एरिया में। दोस्तों हमने यहाँ से दुकान से प्रसाद लिए हैं, देसी घी के लड्डू और जो हमारा लगेज था सामान बैग वैग वो भी यहाँ रख दिए हमने, शूज भी यहाँ उतार दिए। दोस्तों ये सामने हनुमान गढ़ी का मुख्य प्रवेश द्वार है और भीड़ आप देख सकते हो, यहाँ अंदाजा लगा सकते हो श्रद्धालुओं की कितनी रहती है। पूरे अयोध्या में बहुत ज्यादा भीड़ है। ऐसा कहा जाता है कि अयोध्या में भगवान राम के दर्शन करने से पहले हनुमान जी के हनुमान गढ़ी में दर्शन करने पड़ते हैं, ये यहाँ की प्रक्रिया है। दोस्तों हनुमान गढ़ी में भीड़ बहुत ज़्यादा है और सर्दी वैसे ही पड़ रही है और लोगों का जमावड़ा लगा हुआ है। श्रद्धालु पीछे भी देख सकते हो कितनी लंबी लाइन लग गई है, बहुत सारे लाखों लोग यहाँ दर्शन करके आ रहे हैं जा रहे हैं। दोस्तों ये हनुमान गढ़ी का मुख्य प्रवेश द्वार है। दोस्तों ये सामने हनुमान गढ़ी भगवान हनुमान जी का मंदिर है, ये पूरा नागर शैली में बना हुआ है। यहाँ की जो मीनाकारी है देख सकते हो आप, ये नागर शैली की है पूरी और बहुत ही सुंदर मंदिर है, बहुत ही गजब का मंदिर है। आज भीड़ थोड़ी ज्यादा है श्रद्धालुओं का जमावड़ा, आज शनिवार का दिन है तो श्रद्धालु बहुत ज्यादा आ रहे हैं।
और वैसे भी रामलला के मंदिर का उद्घाटन हो गया, तो जो भगवान राम के दर्शन करने आए वो ऐसा नहीं हो सकता कि प्रभु श्री राम के सेवक हनुमान जी महाराज के दर्शन नहीं करें। तो भीड़ बहुत ज़्यादा है दोस्तों, आप देख सकते हो ये मंदिर है मुख्य। देखो इसका सामने का ये फ्रंट है, बहुत ही अद्भुत यहाँ की जो नागर शैली है उसमें बना हुआ है और बहुत ही प्यारा लग रहा है। ये इसका गुंबद है, और ये दोस्तों भगवान की परिक्रमा है। जय जय श्री राम। शिलालेखों पर बुद्धि हुई है, लिखी हुई है सफेद पत्थर पर मंदिर परिसर में। दोस्तों ये हनुमानगढ़ी के ऊपर जो मंदिर का गुंबद शिखर है, हम छत पे खड़े हैं, ऊपर से ऐसा है गुंबद इसका। ये देखो दोस्तों, और नीचे आप देख सकते हो कितने भयंकर नीचे मंदिर है ये।
ये दोस्तों यहाँ का मार्केट देखो, इधर भगवान महावीर का घोटा, फिर तिलक, फिर इधर श्री राम के तीर बाण धनुष, और ये भगवान हनुमान जी। चारों तरफ मार्केट में ऐसा ऐसा लगा हुआ है। चलो दोस्तों, इस वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं और मिलते हैं अयोध्या के अगले एपिसोड में। तब तक के लिए राम राम, जय श्री राम। और दोस्तों, वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइए।